हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ नई सब्जी की रेसिपी लेके आई हूँ, तो बहुत आसान तरीके से बनाऊंगी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय चैनल। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आलू और ब्रोकली की सब्जी, जो बहुत ही प्यारी बनी है, आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही हेल्दी होता है। ये देखिए आलू, और ये हमारा ग्वारफली है, बहुत ही प्यारा दिख रहा है, आप देख सकते हैं। और इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत ही झटपट मैंने बनाया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर घंटी दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ब्रोकली और आलू की सब्जी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। मैंने आलू लिया है और ये ब्रोकली है। अब मैं कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ, ज्यादा नहीं, एक चम्मच हमें तेल डालना है। तो पहले, सबसे पहले हम आलू और ब्रोकली को फ्राई करेंगे। तो तेल हमारा हीट हो गया है, जिसमें हम आलू और ब्रोकली डाल देते हैं। दोनों एक साथ हम फ्राई कर लेंगे, ज्यादा फ्राई नहीं करना है। अब जब भी सब्जी अगर भून रहे हैं, तो आप पहले उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करने से क्या होगा, इसके अंदर नमक है हमारा, भूज जाएगा और सब्जी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। इसलिए पहले मैं नमक दे देती हूँ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। अभी और नमक मैं दूंगी, लेकिन पहले थोड़ा सा मैं नमक टेस्ट के लिए दे देती हूँ। तो ये देखिए, ब्रोकली को हमें ज्यादा फ्राई नहीं करना है। तो पहले मैं ब्रोकली को निकाल लेती हूँ, आलू को थोड़ा सा और हम फ्राई होने देंगे। तो ब्रोकली को हमें बस इतना ही फ्राई करना है, इसका कलर चेंज नहीं करना है। और मैंने इसके डंठल को भी काट के डाल दिया था, अब डंठल को फेंके नहीं, उसके अंदर भी बहुत ही विटामिन रहते हैं हमारे, तो इसलिए मैंने डंठल को भी काट के डाल दिया है। बहुत लोग क्या होते हैं, डंठल को काट के फेंक देते हैं, लेकिन डंठल डालने से भी बहुत ही स्वादिष्ट बढ़ता है और सेहतमंद भी रहता है। तो आलू अभी मेरा नहीं हुआ है, तो इसे हम 2-3 मिनट और भूनेंगे। तो ये देखिए, आलू हमारा भून गया है, तो आलू को भी हम निकाल लेते हैं। अब उसी कढ़ाई में मैंने तेल नहीं दिया है, मैंने वही तेल है हमारा। ये देखिए, जीरा डालेंगे और एक तेज पत्ता डालने के बाद इसे चटकने देते हैं। अब एक कटी हुई प्याज, और इसे हम भूनेंगे इसके कलर चेंज होने तक। तो ये देखिए, जब तक हमारा प्याज उधर भून रहा है, मैंने एक प्याज और एक टमाटर का प्यूरी बनाया है। अब उसी में हम डालेंगे मसाला, ये हल्दी पाउडर, ये धनिया और जीरा इसमें मिक्स है, डाल देंगे और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। इस तरह हम मसाला देंगे तो हमारा सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। ये देखिए, प्याज हमारा भून गया है, तो हम ये मसाला डाल देंगे इसके अंदर। अब मसाला डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे अदरक, लहसुन और मिर्च, तीनों चीज का मैंने पेस्ट एक साथ बनाया है, और इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा सा इसमें हम धनिया पत्ता भी ऐड करेंगे और नमक स्वाद अनुसार देंगे, क्योंकि हमने जब आलू और इसे भुना था, उसमें भी मैंने नमक दिया था, इसलिए हम इसमें नमक कम देंगे। ये देखिए, अब इसे हम जब तक भूनेंगे, जब तक ये हमारा मसाला तेल ना छोड़ दे, तब तक इसे हमें भूनना है। ये देखिए, मैं मसाले को 2-3 मिनट पे इसे चलाती हूँ, क्योंकि अगर आप नहीं चलाएंगे, मसाला हमारा नीचे से बैठ जाएगा, जलने लगेगा, इसलिए आपको बीच बीच में मसाले को हमेशा चलाना जरूरी रहता है। तो अभी ये तेल छोड़ा नहीं है, अभी लगभग हमारा बाकी है, 2-3 मिनट के बाद ये मसाला हमारा तैयार हो जाएगा। आप चाहे तो ग्रेवी वाला भी बना सकते हैं और इसे सूखा भी बना सकते हैं। दोनों तरह की सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है, तो मैं थोड़ा सूखा बनाऊंगी, क्योंकि हमें ग्रेवी नहीं रखना है, तो मैं सूखा भी बना सकती हूँ। पानी आप अपने अकॉर्डिंग दें। मसाला हमारा अच्छे से भून गया है, खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, बहुत ही प्यारी आ रही है। अगर आपको मसाले की खुशबू अगर अच्छी आने लगे, भुना भुना एकदम सोना सोना महकने लगे, तो समझिए कि आपका मसाला एकदम परफेक्ट भुन गया है। तो ये देख सकते हैं, फ्राई एकदम छोड़ चुका है हमारा मसाला। तो अब इसमें हम डालेंगे पानी,
पानी मैंने बताया कि आप अपने अकॉर्डिंग दे दें, क्योंकि मैं मसाला थोड़ा ग्रेवी थोड़ा कम बनाना मुझे, क्योंकि मैं रोटी के साथ खाने वाली हूँ। अब इसमें हम डाल देंगे ये और इसे हम ढक देते हैं। तो आइए हम एक बार चेक कर लेते हैं सब्जी हमारा हुआ कि नहीं। ये देखिए सब्जी एकदम हमारा अच्छे से सूख गया है और सारे मसाले हमारे आलू में चले गए हैं। अब लास्ट में हम डाल देंगे गरम मसाला। धनिया पत्ता और इसे हम मिला देंगे और गैस को हम बंद कर देते हैं। और चलिए अब इसे मैं सर्व करके आपको दिखाती हूँ कि कितना प्यारा बना है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। तो ये देखिए बनके तैयार है हमारा सब्जी, जो बहुत ही प्यारा बना है। कम समय में ये सब्जी बन जाता है, मिनटों में बन जाता है, आपको कोई झंझट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी जरूर हमें बताएं, कमेंट भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर घंटी दबाना ना भूलें। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें। इससे हमारे चैनल पर अगर सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक तो जरूर बनता है, क्योंकि लाइक करने से हमें हमारे मनोबल बढ़ता है, इससे पता चलता है कि आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। थैंक यू, क्योंकि